Hello students, hope you are doing well. Let me explain this question to you. Uh, this question says if the function f defined from R to R is defined by f of x equals to mod x multiplied by x minus sine x, then which of the following statements is true? A option, f is 1, 1 but not onto. B option, f is onto but not 1, 1. C option, f is both 1, 1 and onto.

पॉजिटिव साइन के साथ मॉड ओपन होगा तो ये हो जाएगा एक्स एक्स माइनस साइन एक्स और वही जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ मॉड ओपन होगा और ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स एक्स माइनस साइन एक्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो तो अब हमें चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है तो उसके लिए क्या करेंगे अगर फंक्शन वन वन है या ऑन टू के लिए हम लोग चेक करेंगे तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है किस तरीके का फंक्शन है तो फॉर अ फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर अ फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और एफ डैस एक्स इज लेस देन जीरो मतलब हमें इसका डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा कि ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है तो हम लोग डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं तो डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा एफ डैस एस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स किसके लिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एंड माइनस टू एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स किसके लिए एक्स लेस देन जीरो के लिए तो अगर हम लोग यहां पे चेक करें तो अपने पास क्या आ जाएगा आ, इस एक्स को मैं शायद लिख सकता हूं एक्स माइनस साइन एक्स प्लस आ uh, इस टू एक्स को मैंने क्या कर दिया एक्स प्लस एक्स लिख दिया तो एक एक्स माइनस साइन एक्स हो गया और एक एक्स कॉमन निकाल दूंगा तो वन माइनस कॉस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड भी सेम काम करूंगा एक्स को कॉमन निकाल दूंगा तो अपने पास आ जाएगा कॉस एक्स माइनस वन ठीक है इस माइनस टू एक्स को भी मैं माइनस एक्स माइनस एक्स लिख दूंगा प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो अब अगर मैं देखता हूं तो x माइनस साइन एक्स जो होगा ये पॉजिटिव होगा दिस विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो एंड दिस विल बी आल्सो ग्रेटर देन क्यों? बिकॉज एक्स जो होता है वो साइन एक्स से बड़ा होता है एंड वन माइनस एक्स कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है कॉस एक्स इज कॉसेक्स लाइज विट वन से माइनस वन तो अगर हमने अगर हमने इसके मैक्सिमम वैल्यू को भी ले लिया तो वन माइनस कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू जीरो हो रहा है ठीक है तो ये हमेशा एक्स ये जो फंक्शन रहेगा ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा सिमिलरली एक्स लेस देन जीरो के लिए अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमारे पास कॉस एक्स माइनस वन जो रहेगा ये नेगेटिव आएगा और मल्टीप्लाई बाई एक्स जो नेगेटिव है तो ओवरऑल जो फंक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा ग्रेटर देन एंड सिमिलरली साइन एक्स माइनस एक्स जो है ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफ डॉ एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिस विल कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है ठीक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हो जाएगा कि वन वन फंक्शन तो अब हमें देखना है कि फंक्शन ऑन टू होगा या इन टू होगा तो फंक्शन वन ऑन टू हो या इन टू हो इसके लिए क्या है कि इफ को डोमेन ऑफ अ फंक्शन बिकम्स रेंज देन फंक्शन इज ऑन टू अगर एक फंक्शन का कोडोमेन रेंज बन जाता है तो फंक्शन क्या बन जाता है ऑन टू बन जाता है तो हमें यह चेक करना है कि क्या कोडोमेन पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज बन गया है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग ऑफ माइनस पुट कर दें अगर अगर हमने एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय माइनस इन्फिनिटी माइनस साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी तो मॉड ऑफ माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई माइनस इंफिनिटी माइनस में बाहर निकाल दिया तो माइनस इंफिनिटी प्लस साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी साइन का जो वैल्यू है साइन का वैल्यू इज लिमिटेड टू माइनस वन टू वन बट यहां पे इंफिनिटी के साथ ऐड होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा सिमिलरली हम लोग अगर एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी चेक करते हैं तो एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी माइनस साइन इंफिनिटी तो अब यहां पे भी हम लोग वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आ जा रहा है इंफिनिटी आ जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज जो है रेंज क्या आ गया रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं रियल नंबर ठीक है विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन तो कोडोमेन के बराबर आ गया हेंस फंक्शन कैसा हो गया ऑन टू हो गया तो फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन में एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू सेकेंड ऑप्शन में एफ इज ऑन टू बट नॉट वन वन तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा थैंक यू